तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप यहां पर सुन रहे थे। सोनिया गांधी आज आ रही हैं और उन्हें रिसीव करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं और फिर राज्यसभा से उन्हें यहां से नॉमिनेशन करना है और उसके लिए जिक्र करते हुए नजर आए हैं अशोक गहलोत। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो आज प्रधानमंत्री का यूएई में दूसरा दिन है। आज भारत के बाहर सबसे बड़े हिंदू मंदिर का शुभारंभ होने जा रहा है। अबुधाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री ने अबुधाबी में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। यूएई से प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे टर्म की गारंटी दी है। यूएई में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार है। आज बसंत पंचमी के शुभ मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विशाल और दिव्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। एक मुस्लिम देश में इतना भव्य मंदिर बनना सनातन के सूर्योदय का प्रतीक है और साथ ही ये मंदिर प्रतीक है सहिष्णुता और विविधता के प्रति संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता का। गंगा यमुना के पवित्र जल और राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर से बने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर में भगवान स्वामी नारायण की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हां कह दिया और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया। भारतीय समय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी शाम 6 बजे स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ये मंदिर जितना बाहर से भव्य है उतना ही अंदर से सुंदर है। मंदिर के अंदर संगमरमर से बने स्तंभों पर बारीक नक्काशी है। मंदिर में 7 शिखर हैं और 2 पिरामिड आकार के गुंबद जिन पर स्वर्ण कलश और सनातन की धर्म ध्वजा लहरा रही है। भारत से बाहर ये सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है जिसमें एक साथ 10,000 लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। इस वक्त अबू धाबी के हिंदू मंदिर के मुख्य परिसर में जी न्यूज की टीम पहुंच चुकी है और आप देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह के इटालियन मार्बल के शिखर तैयार किए गए हैं। शिव जी की यहाँ पर कई प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं, अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं और साथ ही ये बहुत ही भव्य अलग अलग यहाँ पर प्रवेश द्वार बनाए गए हैं और यह पूरा मंदिर परिसर क्योंकि 700 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है और इसकी अपनी एक अलग खासियत है। गर्भगृह का हिस्सा है जहाँ पर जी न्यूज इस वक्त मौजूद है और मैं आपको गर्भगृह से ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। स्वामी नारायण जी और अक्षय पुरुषोत्तम जी की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। स्टेडियम में पीएम मोदी को सुनने के लिए करीब 65,000 भारतीय मूल के लोग पहुंचे थे। यूएई से प्रधानमंत्री ने तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी। मोदी ने एक गारंटी भी दी है, मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। प्रधानमंत्री को सुनने और देखने की खुशी अबू धाबी में बसे भारतीयों के चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और यूएई की दोस्ती पर कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते दुनिया के लिए आदर्श हैं। इस ऐतिहासिक स्टेडियम में हर धड़कन कह रही है भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हर सांस कह रही है भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। यूएई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही कतर भी जाएंगे। रात 11 बजे पीएम मोदी कतर की राजधानी दोहा पहुंचेंगे जहां वो कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद के साथ मुलाकात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।